यस, जब तक तुम यहाँ रहोगे सिद्धार्थ बनकर रहोगे, किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। भाई, आर यू ओके? जरा दिखाओ। इन्फेक्शन तो बहुत जबरदस्त है, यहाँ अपना हॉस्पिटल है पर पुलिस की प्रॉब्लम भी है। मैं फोन कर देता हूँ, तुम लोग जाओ। बंजर जमीन पर पैदा हुए लोग भी अपनी मिट्टी पे भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसे में अन्न देने वाली जमीन को कोई बर्बाद करे तो क्या हम चुप रहेंगे? इस साल भी बोली में हमारी ही जीत हुई है। इस साल का लाइसेंस हमें ही मिला है। बिना डरे हिम्मत से खेती करो। मेरे जीते जी यहाँ कभी भी माइनिंग नहीं आ पाएगा। चंद्र प्रताप जी की जय! 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 हाँ, वो निकल गए भाई। अंकित नायडू ने पिताजी को मार डाला, आप जल्दी आ जाइए। 10 साल वो अपने पैरों के नीचे करोड़ों की संपत्ति से अनजान ऐसे ही बैठा रहा। उसने मिट्टी पे भरोसा किया, हमने उसे मिट्टी में मिला दिया। अब इस जगह पर अपना सामना करने वाला कोई नहीं। कभी भी उनके बेटे इन सब झगड़ों में ना पड़े, बस यही सोचते रहते थे। तुझे जन्म तो नहीं दिया पर माँ बनकर तेरी जिम्मेदारी ली है, उसी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ मैं। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी कर दो सूर्या। मुझसे भागने के लिए कह रही हूँ? गुस्से में लोग अपनी ताकत ही इस्तेमाल करते हैं, मैं अकल इस्तेमाल करने को कह रही हूँ। ये फैमिली दूसरी मौत सहन नहीं कर सकती सूर्या। जब तक ये हालात सुधर नहीं जाते तब तक तुझे यहाँ से दूर रहना होगा।